बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल यानी 7 मार्च 2021 को लेट लॉ एडमिशन टेस्ट हो चुका है। हेक के जेर एहतमाम हायर एजुकेशन कमीशन उसी पेपर को हल करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पार्ट वन अपलोड कर लेते हैं और इसके फौरन बाद पार्ट टू भी अपलोड करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों याद रखें कि मेरे पास जो पेपर पहुंचा है उसमें क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 22 यानी 22 से लेकर 73 तक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर किसी दोस्त किसी भाई व्यूअर के पास कंप्लीट पेपर है इन पेजेस के अलावा यानी 1 से 21 तक और 74 से 100 तक ये क्वेश्चन ये पेजेस किसी के पास है तो प्लीज जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 0346657708। क्वेश्चन नंबर 22, इस पे क्या करना है, सिमिलर मीनिंग वाले अल्फाज ढूंढने हैं। हमानी अल्फाज जिसको कहते हैं सिमिलर मीनिंग यानी हम मानी अल्फाज को ढूंढना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 22, लाइम लाइट। लाइम लाइट के उर्दू के मानी रोशनी ही रोशनी और इंग्लिश में इसके मानी है कॉन्स्टेंटली बीइंग टॉक्ड अबाउट, वो शख्स पब्लिक में जिसका बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता हो। तो लाइम लाइट के मानी हो गया ऑप्शन सी को देखे गेटिंग पब्लिक अटेंशन, गेटिंग पब्लिक अटेंशन। और क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेटिट्यूड। ये लफ्ज़ जो है ना बहुत ज्यादा रिपीटेड है, बहुत सारे पेपर्स में मैं देख चुका हूं और इसके मानी है शुक्रगुजारी। ग्रेटिट्यूड के मानी शुक्रगुजारी, तो इसका मानी लफ्ज़ हो गया ऑप्शन ए थैंकफुलनेस, थैंकफुल। क्वेश्चन नंबर 24 देखे, 24 नंबर क्वेश्चन, केतारा। ये एक लफ्ज है, ये एक बीमारी है। किस किस्म की बीमारी है, ऐसी बीमारी है जहां जहां नाक और मुंह से बलगम आते हैं, मुंह से नाक से पानी बहता है, तो ये फ्लू का एक किस्म की बीमारी है। ऑप्शन डी कहते हैं करेक्ट ऑप्शन है। और 25 नंबर क्वेश्चन अकुलिस्ट, 25 क्वेश्चन नंबर 25, इसके मानी है आंख का तबीब, आंखों का इलाज करने वाला डॉक्टर, तो ऑप्शन डी को देखिए आई स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का फाउंडर जो है दैट इज कोलंबस, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 27 देखे, 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना के फाउंडर का नाम जो है दोस्तों माओ ज़ेडुंग पढ़ा जाता है इसको, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, देयर आर प्लेयर्स इन अ वॉलीबॉल टीम, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं, 6 प्लेयर्स, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 29 देखे, 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज यूज एज अ वार्निंग इन फुटबॉल, फुटबॉल में वार्निंग कार्ड का जो कलर होता है दैट इज येलो कार्ड, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखे,
30 नंबर क्वेश्चन, समीना बेग इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट इन 213. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें. और 31 नंबर क्वेश्चन देखें, 9/11 अटैक्स ऑन यूएसए हैपन. 9/11 का वाकया 2001 में हो चुका है. ऑप्शन ए करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 32, द ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन, इस ईरान में जो इनकलाब आया था वो 1979 में था. और 1979 में ही रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया था. और आरसीडी का नाम आपने सुना होगा. आरसीडी जब ईरान में इनकलाब हो गया आ गया तो आरसीडी जो जिसमें ईरान पाकिस्तान और तुर्की शामिल थे वो डिसफंक्शन हो गया था और उसकी जगह फिर ईसीओ 1985 में बनाया गया था. क्वेश्चन नंबर 33 देखे, 33 नंबर क्वेश्चन, हु अटैक अफगानिस्तान, देखे वो क्वेश्चन इधर भी है. 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और इसी वजह से बहुत सारे अफगान माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे, खसूसन केपीके में और बलूचिस्तान में. और अभी तक बहुत सारे अफगानी आबाद हैं यहां पर. क्वेश्चन नंबर 34 जो है, अरब स्प्रिंग इज अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन स्टार्ट्स 2010 में ये शुरू हुआ था. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया का करेंसी का नाम रियाल है. ऑप्शन डी करेक्ट है. और 36 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना क्या, एक तो ये यन है और दूसरा यन जो है ना ऑप्शन ए वाला ये जापान का है. लेकिन कहते कि चाइना ने अपनी करेंसियों को दो नाम दिए हैं, दो किस्म की करेंसियां हैं दो नामों पर, और एक तो ये यन है, दूसरे का नाम रिन मिन बी, आर आई एन एम आई एन बी आई, इसको जरा चेक कर लेना. और 37 नंबर क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ तुर्की इज अंकारा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है. और 38 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड इन पंजाब प्रोविंस, डेरा इस्माइल खान केपीके में है, जियारत बलूचिस्तान में है, सक्कर सिंध में है, साहिवाल जो है दैट इज इन पंजाब. और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, साहिवाल से करतारपुर जो कॉरिडोर है आई थिंक वहां से जाता है. क्वेश्चन नंबर 39 देखें, 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन, स्विगेस इज डिस्कवर्ड एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोविंस, बलूचिस्तान में 1952 में था सुई के मुकाम पर, ऑप्शन सी करेक्ट है. और 40 नंबर क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान वाज, आर्मी चीफ का ओहदा जो था पहले इसको कमांडर इन चीफ कहा करते थे, कमांडर इन चीफ. और ये आर्मी चीफ, कमांडर इन चीफ से आर्मी चीफ का ओहदा 1972 में ये चेंज करके आर्मी चीफ का ओहदा रखा गया. और उस वक्त टिका खान, जनरल टिका खान इज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है, याद रखिए, अयूब खान नहीं है, ठीक है, जनरल टिका खान है. ये दोनों, ये ऑप्शन बी जो है ना, जनरल सल प्रेम मेजरी, ये कमांडर इन चीफ थे पहले, फर्स्ट कमांडर इन चीफ सीएनसी, इसको थोड़ा सा गौर करें इस बात को. सीएनसी का ओहदा तब्दील होकर आर्मी चीफ रखा गया, और कब रखा गया था ये 1972 की बात है. जनरल टिका खान वॉज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान.
तो आई थिंक दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी जितने क्वेश्चन दे दिए उसको दूसरे पेपर में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।